सबके बस की बात नहीं, और वृंदावन में आना जाना वृंदावन में आना जाना ये सबके बस की बात नहीं, कि नैनों से नैनों को मिलाना बेशक सबके बस में है, पर दिल से दिल की तार मिलाना ये सबके बस की बात नहीं। मिलने अक्सर इनसे घर बैठे ही मिलते हैं, पर इनके मन के भीतर जाना ये सबके बस की बात नहीं। युग बदले पर विप्र सुदामा बेशक सबके बस में है, रंक से राजा का याराना ये सबके बस की बात नहीं। प्रेम हाथ में मोल भाव की शांत कहां गुंजाइश है, जो भी भाव मिले बिक जाना ये सबके बस की, कह दो ये सबके बस की, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से
जाया नहीं जाता। परसों रात को गोवर्धन धाम में गोरांगी रसकुंज में दीदी के साथ बैठे थे, कुछ चर्चा चल रही थी, तो हम बता रहे थे ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसने एक बार श्री जी का नाम लिया हो और कन्हैया उससे मिलने ना आए। हाँ, ये अलग बात है कि न आंखों से हम उन्हें पहचान पाए, समझ पाए ना पाए। अभी की घटना सुनी, हमारे ही प्रेमी एक भक्त परिवार केशवपुरम दिल्ली में रहते हैं, उनकी माता जी ना जाने कैसी, हमारे मुख से वो बिहारी जी की कृपा से ही कोई वाणी ऐसी निकली कि उनकी माताजी और पिताजी का वृंदावन वास हो गया, वो वृंदावन में उनका रहना हो गया। और वो जब जब वृंदावन से दिल्ली आने की बात करते, उस भक्त के पिताजी माताजी तो अन्य भाव से वृंदावन के प्रति ही समर्पित हैं, लेकिन उनके पिताजी का मन कभी कभी दिल्ली आने का हो तो वो हमसे कहती, तो हम उनको यही कहते रहते, नहीं देखो अभी नहीं, अभी एक महीना और रुक जाओ, अभी अक्षय तीज आ गई, अब गुरु पूर्णिमा आ गई, अब सावन आ गया, अब ये आ गया, ऐसे करके उनको अखंड एक वर्ष का वृंदावन वास हो गया। हर उत्सव का सुख उन्होंने लिया, तो वो जब भी बाहर जाने की इच्छा होती तो वो मैया हमारे पास लेके आती, और हम जाने क्यों कैसे
यद्यपि हम खुद वृंदावन में इतना नहीं रह पाते, हम आए दिन बाहर ही रहते हैं, लेकिन श्री बिहारी जी शरीर के माध्यम से कैसी उनको प्रेरणा करते और हम कहते तो वो सहज मान जाते, रुक जाते। आज लगभग लगभग 3 से 4 वर्ष उन दोनों को रहते हो गया और सुबह 3 बजे आसन छोड़ देती है वो मैया वृद्धावस्था में और 3:30 बजे तो वृंदावन की परिक्रमा पर निकल जाती है और परिक्रमा करने के बाद भी विश्राम नहीं, फिर गुरुजनों की सेवा, संतजनों की सेवा, वैष्णवजनों की सेवा, कभी रसोई बनाना, कभी कुछ करना, दिन भर ऐसी सेवा में उनका समय निकल रहा। प्रेमियों, उनकी एड़ी में, पांव की एड़ी में दिक्कत हुई चलने में, काफी दिन से दर्द बना, परिक्रमा चल रही है दर्द में भी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले उनको लगा कि अब दर्द बहुत बढ़ गया है, शायद मुझे एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर दर्द इसी प्रकार निरंतर बढ़ता जाएगा और मैं उपचार नहीं लूंगी तो मेरी परिक्रमा शायद रुक जाए। और ये तो वैसे ही तैयार बैठे हैं कि तुरंत दिल्ली लेकर के जाए, तो उन्होंने जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के किसी बालक से कहा, बेटा तू मेरे साथ चल और मैं डॉक्टर को आज अपने पाँव की एड़ी दिखा के आती। ऑटो में बैठी और ब्रजवासी मिठाई वाले के आसपास पहुंची तो ना जाने 7-8-10 वर्ष का बालक रहा होगा और वो ब्रजवासी बालक, ना मैया उसे जानती है ना कभी पहले कभी देखा, और वो वहां पर ऑटो से उतर रही है और वो बालक ब्रजवासी वृंदावनवासी बालक उस मैया के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने कहा, मैया तेरी एड़ी में बहुत दर्द है, ले ये पत्थर ले जा, इस पत्थर को गर्म करके एड़ी पे सिकाई कर लेना, तेरा दर्द गायब हो जाएगा। ना उन्होंने ये बताया कि मुझे क्या पीड़ा है, ना उसने पूछी, बस उसने देखते ही कहा, मैया तेरी एड़ी में बहुत दर्द है पांव की, ये पत्थर ले जा, घर जाके इस पत्थर को गर्म करके एड़ी पे लगाना, सिकाई करना, तेरी एड़ी का दर्द ठीक हो जाएगा, परिक्रमा करियो खूब। अब उस मैया का विश्वास भी जाने कैसे जम गया और वो डॉक्टर के नहीं गई, वापिस आ गई। वापिस आने के बाद उसने वही किया जो उस बालक ने किया, कहा उस बालक के द्वारा मिले हुए उस पत्थर को उसने गर्म किया और गर्म करके केवल एक बार एडी का स्पर्श कराया और दर्द छूमंतर हो गया। अभी 10 दिन पहले की बात है, कोई इतिहास नहीं बता रहा मैं आपको, 10 दिन पहले की बात। हमने कहा उनके सुपुत्र से, पिछले हफ्ते हम दिल्ली में ही थे तो उन्होंने हमको बताई, तो हमने कहा मैया को तो छल गया वो टेढ़ी टांग वाला, वो तो छल करके चला गया। तो उसने कहा कि बाबा मैया को भी यही विश्वास है कि वो पत्थर देने वाला कोई और नहीं, वही बांके बिहारी इस रूप में आया। और उससे आगे की बात देखो, उनका बालक जो दिल्ली में केशवपुरम में रहता है वो काफी अस्वस्थ हो गया, उसके नर्वस सिस्टम काफी वीक हो गए, पाँव में बहुत दर्द था तो हाथों में कुछ एलर्जी हो गई, तो वो वृंदावन पिछले हफ्ते गया हुआ था, ऐसे खाल सी उसकी उतरने लगी हाथों की, तो उसने, उसकी मैया ने देखा ये क्या हुआ कि पता नहीं कैसे ये एलर्जी सी हो गई, तो मैया ने कहा चिंता मत कर। और उस मैया ने जैसे ही उस पत्थर की बात बताई कि देख कोई बालक मुझे पत्थर दे गया और मैंने सिकाई करके एडी पे लगाया तो मेरा दर्द तत्काल गायब हो गया, उस बालक का भी, उस भाई का भी ऐसा विश्वास जमा, उसने उस पत्थर को लेकर के हाथ पे रगड़ा तो उसका वो रोग भी उसी समय समाप्त हो गया। कौन कहता है जी कि ये केवल किताबों में सुनी लिखी पढ़ी बातें, आप आकर तो देखो। ये तो कह रहे हैं बाबा महाराज, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, लेकिन आप वृंदावन में आकर के देखो, हम तो उन्हें खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं और वृंदावन के उन पागल संतों के पीछे पीछे ठाकुर दौड़ते हैं प्यारे जन, वो खोजते हैं। इसलिए हम कहते हैं खोजना मत, खोना आरंभ करो, अपने आप को उनमें खोना आरंभ कर दो। बड़ा सुंदर एक श्लोक है, ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम
अनुप्रजा में हम नित्यम पुएति अंग रेणु भी, जो किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता है, जो सदैव शांत रहता है, जिसके हृदय में किसी के प्रति बैर राग द्वेष की भावना नहीं होती है, जो सतत मेरे नाम का आश्रय लेकर के रमण करता रहता है, चलता रहता है, ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। ना केवल चलता हूँ बल्कि उसके पीछे चलने का मूल कारण यह है, जब इस भाव का भक्त धरती पर चरण रख करके आगे बढ़ता है और उसके चरण प्रहार से धरती की धूल उड़ करके जब मेरे अंग पर चढ़ लगती है, मेरे अंग को स्पर्श करती है, तो ऐसे भक्त की चरण रज को पा करके श्री कृष्ण भी पवित्रता का अनुभव करने लगते हैं। प्यारे अनुभव करने लगते हैं, इसलिए आप खोना आरंभ कीजिए, आप उनमें खो और ठाकुर आपको खोजने लगेगा, खोजने लगेगा, खोजने लगेगा, लेकिन प्रयास तो करो, प्रयास तो करो, फिर आपकी किसी से अपेक्षा नहीं रहेगी। अगर आपको कोई कुछ देना भी चाहेगा तो नहीं नहीं, हम बड़े बाप की औलाद हैं प्यारे, हम तुम्हारे आगे हाथ फैलाने वाले नहीं है, हमारे अरे तुम कितने बड़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी 500 गज में, ज्यादा से ज्यादा 1000 गज में, ज्यादा से ज्यादा 1 बीघे की छत होगी, लेकिन हमारे बाप की छत तो पूरा आसमान है, पूरा आसमान है। हम तो ऐसे बाप की संतान है, ऐसे बाप की संतान। गर्व का अनुभव होने लगेगा, गर्व होने लगेगा कि हम श्री कृष्ण के हैं, गर्व होने लगेगा हम श्री किशोरी जी के हैं, गर्व होने लगेगा हम श्री गुरुदेव के हैं। प्यारे तभी ये मस्ती मिलेगी, तभी ये आनंद मिलेगा, तभी ये रस मिलेगा। हाँ होती जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत होगी जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता, ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता, ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता, ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। एक किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत होगी जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता
बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।